दोस्तों Realme XT इंडिया में जबरदस्ती स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ इसके सक्सेसर XT Pro के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट कंफर्म हुए हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो कि OnePlus 7T में देखने को मिला है। इसी के साथ Snapdragon का 730G का एक पावरफुल प्रोसेसर, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो कि लिक्विड कूलिंग के सपोर्ट के साथ आएगा और एक क्वाड रियर कैमरा। तो क्या है दोस्तों इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस, इंडिया में ऑफिशियली ये स्मार्टफोन कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च हो सकता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें डिजाइन से, तो एक ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश के साथ देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ क्वाड रियर कैमरा भी आएगा। और वहीं अगर फ्रंट की बात करें तो 6.4 इंच का 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड पैनल जैसा कि OnePlus 7T में आपको देखने को मिला है, इसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक सेल्फी कैमरा जो कि डॉट नॉच के अंदर ही दिया जाएगा इस स्मार्टफोन में आएगा। दोस्तों वहीं अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है जो कि स्नैपड्रैगन के 710 से काफी पावरफुल है। इसी के साथ स्टोरेज और रैम वेरिएंट की अगर बात करें तो 3 रैम वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, 664GB, 6128GB और 256GB। वहीं अगर बात करें इसके कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी कैमरास की, तो रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 64 मेगापिक्सल होने वाला है जो कि सोनी का IMX586 का सेंसर है। इसी के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो डॉट नॉच के भीतर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसके बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है जो कि आपके स्मार्टफोन को 25 मिनट्स के अंदर पूरी तरह से चार्ज कर देगी। इसी के साथ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट जो कि कलर OS 6.1 के बेस के ऊपर आने वाला है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं बात करें अदर फीचर्स की, तो टाइप सी पोर्ट और 3.5mm जैक दोनों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन 17,000 से 18,000 के रेंज में इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो 17,000 के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है एक स्नैपड्रैगन के 730G का पावरफुल प्रोसेसर, साथ में OnePlus 7T का 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इसके साथ 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक क्वाड रियर कैमरा। तो इस रेंज में 2019 का ये कंप्लीट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस रेंज में आपको कोई भी प्रोडक्ट और मिलेगा। दोस्तों फाइनली बात करें लॉन्च डेट की, तो अभी इंडिया में इसका स्मार्टफोन का लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जनवरी या दिसंबर के एंड तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों Realme XT Pro का कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक्स जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।